Hi, this is Faiza and today we are going to discuss types of nouns in detail. Uh, पहले हमने देखा था noun की definition और कुछ examples. अब हम जो है one by one uh, हर part of speech को हर lexical category को uh, deal कर रहे हैं. तो उसमें सबसे first जो category है वो है noun की. तो as you know, noun is the name of a person, place, thing or idea. नाउ क्विकली मूव टूवर्ड्स टाइप्स ऑफ नाउन्स एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दाइप दैट इज़ प्रॉपर नाउन तो प्रॉपर नाउन क्या होता है किसी स्पेसिफिक पर्सन प्लेस थिंग और आइडिया का नेम जो कि कॉमन नहीं होता ऑर्डनरी नहीं होता ये स्पेसिफिक होता है ख़ास नेम होता है जो किसी भी पर्सन प्लेस थिंग और आइडिया को दिया जाता है अच्छा क्या फीचर्स होते हैं किस वजह से हमें पता चलता है कि ये प्रॉपर नाउन है कि इट्स स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर कैपिटल लेटर अल्फाबेट से ये स्टार्ट होता है इज़ इंक्लूसिव ऑफ़ अ कॉमन नाउन अच्छा इसका क्या मतलब है इसका ये मतलब है कि हर प्रॉपर नाउन के अंदर एक कॉमन नाउन ज़रूर होता है फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अली है तो अली का कॉमन नाउन जो है वो क्या है बॉय सारा है तो कॉमन नाउन जो है वो गर्ल है लाहौर है तो कॉमन नाउन जो है वो सिटी है पाकिस्तान है तो कॉमन नाउन जो है वो कंट्री है तो आपने प्रॉपर नाउंस का पहले तो ये कि उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा और वो स्पेसिफिक होगा अच्छा और थर्ड जो है कि उसके अंदर जरूर न ज़रूर एक जो है वो कॉमन नाउन जो है वो इंक्लूडेड होगा तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं प्रॉपर नाउन की अब हम मूव करेंगे नाउन की जो सबसे बड़ी कैटेगरी है दैट इज़ कॉमन नाउन कॉमन नाउन क्या होता है एक ऑर्डनरी पर्सन प्लेस थिंक और आइडिया का नेम जो कि जनरल होता है ऑर्डनरी होता है वो पर्टिकुलर नहीं होता वो स्पेसिफिक नहीं होता जैसे हमने डिस्कस किया था कि अगर अली स्पेसिफिक है तो बॉय उसका जो है वो ऑर्डनरी या कॉमन वाला पार्ट है इसी तरह अगर हम सारा को देखते हैं कि वो स्पेसिफ़िक है वो पर्टिकुलर है तो उसमें हमारे पास जो ऑर्डनरी है वो क्या है गर्ल uh, है सिमिलरली प्लेसेस थिंग्स और आइडियाज़ भी इसी तरह मूव करते हैं यहाँ हमने एग्जांपल्स जो लिए हैं वो हैं टेबल सिटी कंट्री एंड फ्रीडम अच्छा अब ये डिफरेंट uh, कैटेगरीज से हैं जिस तरह हमने फ्रीडम को कहाँ से लिया है ये आइडिया वाले Uh, जो कैटेगरी है नाउन की uh, उसमें से हमने लिया है फ्रीडम को और जो डिफरेंट एग्जांपल्स हैं वो हमने की हैं डिस्कस कॉमन नाउन की अब हम मूव करने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट कैटेगरी uh, की तरफ नॉर्मली जो नाउंस को करेक्टरा uh, किया जाता है डिवाइड किया जाता है कैटेगराइज किया जाता है तो वो प्रॉपर और कॉमन नाउन में किया जाता है ज़्यादातर बेसिकली बट एक और जो नाउन् की टाइप है वो भी इन्हीं के साथ ही डिस्कस की जाती है और वो है टाइटल नाउन टाइटल नाउन क्या होता है कि एक टाइटल जो दे दिया जाता है किसी को अच्छा या तो ये उसको कुछ अचीव करने पर दिया जाता है या वो ऑटोमेटिकली अपनी कैपेसिटी में ही उस पोजिशन पे उस टाइटल में फॉल कर जाता है फॉर एग्जांपल जो है मिस्टर है या मिसेज है या सर है या मैडम है ये क्या होते हैं गिवन टाइटल्स होते हैं यानी इनमें ऑटोमेटिकली जो है वो कोई भी फॉल कर जाता है जब वो उन सारी करेक्टरिस्टिक्स पर पूरा उतरता है उसके बाद आते हैं जी अन टाइटल्स ये दूसरी कैटेगरी है जिसमें आपको कुछ ना कुछ अचीव करना पड़ता है उस टाइटल के लिए जैसे डॉक्टर है तो आपको एम बी बी एस करना पड़ता है लेक्चरर है तो आपने एक पर्टिकुलर की है क्वालिफिकेशन और आपकी जॉब है इसी तरह प्रोफेसर है या प्राइम मिनिस्टर है उसके बाद